नमस्कार, न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी है। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी छापेमारी चल रही है। उधर राजस्थान के गृह विभाग ने मांग की है कि गोगामेडी मर्डर केस की जांच एनआईए से करवाई जाए। इस बीच गोगामेडी का अंतिम संस्कार 7 दिसंबर की शाम को हनुमानगढ़ में कर दिया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे में 200 करोड़ से अधिक कैश मिलने से सनसनी मच गई है। इनकम टैक्स ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साहू के 10 ठिकानों पर 6 दिसंबर को छापे मारे थे। बताया गया कि नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। 157 बैगों में भर कर ट्रक से बैंक तक रुपए पहुंचाए गए और बैग ना मिलने पर नोटों के बंडलों को बोरे में भी भरा गया। छापे की कार्रवाई अभी भी जारी है और नोटों की गिनती में 2 दिन और लगेंगे। कैश लेकर सवाल पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मवा मोइत्रा की सांसदी चली गई है। उनके खिलाफ जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें निकाले जाने की सिफारिश की थी, लेकिन इससे पहले जब वो संसद पहुंची तो इसी सवाल पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि दुर्गा अब आ गई है और वस्त्र हरण के बाद अब महाभारत का रण होगा। तो जब नाश मनुष पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें नवाब मलिक जैसे दागी राजनेता को महायुति यानी ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं करना चाहिए। फडणवीस ने आगे लिखा है कि नवाब मलिक एक केस में आरोपी है और उन्हें साथ लेने से गलत संदेश जाएगा। सत्ता तो आती जाती है मगर देश उससे बड़ा है। नवाब मलिक पर ईडी का केस चल रहा है और वे खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर बाहर है। जिस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में नवाब मलिक फंसे हुए हैं, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी जोड़ा गया है। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख कर बेइज्जत करने के बजाय फडणवीस को सीधे फोन कर बेइज्जत कर देना चाहिए था। एक खत लिखा, जो खत शायद वो फोन करके भी अजीत पवार जी को बोल सकते थे। केरल में दहेज की मांग से परेशान 26 साल की डॉक्टर शहाना ने अपनी जान ले ली। सुसाइड नोट में शहाना ने लिखा कि सबको सिर्फ पैसा चाहिए। शहाना की शादी उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर रुवेश से तय हुई थी। आरोप है कि रुवेश के परिवार ने 15 एकड़ जमीन, BMW कार और 150 ग्राम सोने की मांग की थी और ये सब ना दे पाने पर शादी तोड़ दी। पुलिस ने दहेज एक्ट का केस दर्ज कर रुवेश को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज कनेक्ट।